अब देखो यहाँ भी कह रहा है कि लेट पी हमारा इसका पोजीशन वेक्टर पी है और क्यू का पोजीशन वेक्टर क्यू दे रहा है और आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ टू फिक्स पॉइंट एंड आर का आर है इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेरिएबल पॉइंट इफ आर मूव सच दैट। अगर आर हमारा देखो बच्चों इस तरह से मूव करता है कि आर माइनस पी और आर माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। देखो बच्चों यहाँ पे पी और क्यू कोई भी इसे मान लो यहाँ पे चलो यहाँ पे अगर पी कोई पॉइंट है ना, और यहाँ पे पी पॉइंट ऐसे दिया, यहाँ पी पॉइंट है और यहाँ कोई चलो क्यू पॉइंट दिया गया है, पोजिशन होता किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, चलो ये वेक्टर हमारा पी है और ये वेक्टर हमारा क्यू। अब यहाँ पे ये यह कह रहे हैं कि आर वेक्टर कैपिटल आर कुछ ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे आर पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट इसका आर पोजिशन ऐसे मूव कर रहा है कि आर माइनस पी का मतलब पी आर का पोजिशन वेक्टर हो जाएगा आर माइनस पी और क्रॉस आर माइनस क्यू का हो जाएगा क्यू आर। तो पी आर और क्यू आर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों जीरो आ रहा है मतलब दोनों ही वेक्टर हमारे कोलिनियर होने चाहिए, पी आर और क्यू आर दोनों हमारे कोलिनियर होंगे है ना, ये तभी इन दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा। यहाँ पे हो जाएगा देन लोकस ऑफ आर इज, तो आर कहाँ पे लाई करेगा देखो यहाँ पे, तो आर जो है पी आर और ये जो हमारा कोलिनियर होना है तो ये तभी हो पाएगा जब पी और क्यू और आर कहीं इस पे अगर लाई करेगा तभी जो है मतलब पी आर और यहाँ पे क्यू आर दोनों हमारे कोलिनियर होंगे और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमारा जीरो होगा। ए लाइन थ्रू द पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है बेटा ये तब कह रहा है आर जो है आर का लोकस क्या होगा, ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये जो आर जो पॉइंट है कहीं भी आर होगा पी आर और क्यू आर के बीच का एंगल जीरो जीरो डिग्री या पाई डिग्री होगा, तो साइन जीरो पाई हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये मतलब द लोकस होगा लाइन पासेस थ्रू पॉइंट पी एंड क्यू, ये ऑप्शन देखो बच्चों इसका ट्रू हो जाएगा 11 का।